इंशाल्लाह अपनी तमाम तर तवानाइयां इस पर खर्च करेंगे कि वो बार और बेंच का ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं कि बार और बेंच जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब तक ये जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूशन कोई कुछ भी नहीं होगा। ये उसी तरह मजबूत होंगे जिस तरह माजी में रहे हैं, और जब भी कोई बुरा वक्त पड़ा तो इकट्ठे होकर उन्होंने उसके लिए आवाज़ बुलंद की है। सबसे पहले तो मैं, चूँकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर रह चुकी हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पे जितने एजी ऑफिस और ये सब की मेंबर रह चुकी हूँ, तो एडवोकेट जनरल ऑफिस के मसाइल का भी पता है, वकला के मसाइल का भी पता है, और चूँकि वहाँ से इधर आई हूँ तो मुझे और भी बहुत सारी बातें पता हैं जो तकालीफ वगैरह हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट्स के लिए, आप जाहिर है उनसे आप वकालतनामा लेते हैं और उनके लिए वो आसानियाँ पैदा करने के लिए आप अदालत जाते हैं, और अदालत से आप कोशिश करते हैं कि उनसे बेहतर रिलीफ ले सकें। तो यहाँ मुझे बार बार ये चीज़ हर जगह जाती हूँ, रिपीट करती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ये चीज़ कहने पे कि मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैंने वो किया। मुझे ये चीज़ें रिपीट करने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने में मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करती जाऊँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आप लोगों को पता है मैं छुप के जाती हूँ, लेकिन दो मिनट में पूरे सोशल मीडिया पे वो आ जाता है। मुझे पता नहीं, मैंने अपने आप को छुपाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो छुप नहीं पाती, तो वो सोशल मीडिया में आ जाता है, और उससे आप सबको पता चलता है कि मैं कहाँ पे चली जाती हूँ। मैं कोर्ट्स में जा रही हूँ इस वक्त भी, मैं देख रही हूँ अगर इस साइड पे हमारी जजेस साहिबान बैठे हुए तो दे आर नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो मैं उनके यूनिफॉर्म पे उनके टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ। और फिर मेरा जो दूसरा ख़ास पॉइंट है जिसके ऊपर मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं जाके वहाँ मसाइल हल करने की कोशिश करूँ, और वो है जेल, जहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है और वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में है। जेल का अपना तजर्बा आपको मैं बताऊं कि जिधर भी मैं जेल में गई तो मुझे कंप्लेंट्स जो है वो लॉयर्स की आई है, और उन्होंने ये कहा कि हमारे वकला पेश नहीं होते, और उन्होंने मुझे ख़ास नाम भी बताए हैं, और वो ख़ास नाम मैंने भरी अदालत में, वकील वकला जब पेश हुए तो उनको मैंने कहा कि आपकी वजह से डिले हो रहे हैं केसेस में, तो आप काइंडली इस एडजर्मेंट को ज़रा कम किया करें और कोशिश करें कि अपने क्लाइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा, वो जेलों में होते हैं और उनकी सारी नज़र जो है अपने वकील की अवेलेबिलिटी पे होती है कि वकील अवेलेबल होगा तो वो केसेस होंगे उनके। आप क्वांटिटी और क्वालिटी पे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। आप चाहते हैं कि हम कम से कम केस करें और हम थीसिस लिखें बैठ के, हमें हमारा जो ज़्यादा टारगेट होता है, हम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, जो लॉ होता है उसको मीट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट उसमें लिखें और जो फैसले होते हैं वो करें। और आपको पता है कि हाई कोर्ट की लिस्ट होती है, हंड्रेड्स में केसेस लगे होते हैं, और आप हंड्रेड्स में केसेस लगे होते हैं तो दोनों पार्टीज़ आती हैं, और गरीब तबका उसको देखे, चापकी चेले खर्च करी, चापकी गड़े खर्च गड़ान खर्च करी, चिरगे खर्च करी, पेशी वाखली वगैरह राशि हाई अदालतों ने तराशी, उधर तब हम केस सेट जम, वो भी ज़रा उसका भी हमें ख्याल रखना है कि हमें अगर हम मुझे आई एम सॉरी मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि हम क्वालिटी के क्या मतलब है कि हम अगर आर्गुमेंट्स प्रोड्यूस करें और काउंटर आर्गुमेंट्स उसमें प्रोड्यूस करें और फिर उसमें अपना एक पैराग्राफ लिख दें कि दिस इज़ व्हाट वी थिंक शुड हैव बीन, तो फिर हम अपना पॉइंट दे दें, तो इसमें वाकई क्वांटिटी कम हो जाएंगी, क्वालिटी आट जाएगी, लेकिन हम उन लोगों को क्या बताएंगे कि जिनके हंड्रेड से ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट में लगे हों और हम सिर्फ एक पांच की थी। ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर केस में जो है वो क्वालिटी को मद्देनज़र रखें, और हम उसमें पुराने जिस तरह बेहतरीन जजमेंट्स हुआ करती थी, अभी भी हमारी जजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप कंपेयर करें पूरे मुल्क के साथ तो बेहतर होती हैं। तो अगर हम उनके रेफरेंसेस देना शुरू कर दें, रिसर्च का वर्क शुरू कर दें, तो हम बमुश्किल एक दिन में एक या दो केस कर सकेंगे। लेकिन अगर हम टू द पॉइंट बात कर लें, हम आपका नुक्ते नज़र उसमें मीट करें, कानून उसमें लिख दें कि ये आपका केस है, तो मुझे नहीं पता कि उस पे बार को क्या एतराज़ हो सकता है। अगर आप इससे तंग हैं कि देर तक अदालत
लगी होती है तो ये आपकी आपकी कहने पर लगी है, क्योंकि एक ही बेंच है यहाँ पर, एक ही बेंच है, तो इससे आपको फ़ायदा तो होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके केसेस फैसला करें, बर वक्त आपको जजमेंट मिल सके, और ये भी कोशिश करते हैं कि उसमें किसी किस्म की जानबियत ना हो, जानबियत ना हो। जज जो है वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट आदमी होता है, और उसके जजमेंट से हमें इस किस्म का कोई तासुर नहीं मिलना चाहिए, ना पॉलिटिकल, ना सोशल, ना कुछ भी, ना ख़वातीन या हजरात का। दूसरा जो एज ए चीफ जस्टिस हल्फ लेने के बाद सबसे पहले मैंने स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल मीटिंग की, रात देर तक हमने मीटिंग्स की, सबको बुलाया हमने, कि जिस जो डिले हो रहे हैं केसेस का उन सबको बुलाया। जजेस साहिबान से मैंने, सेशन जजेस साहिबान सब से मीटिंग की, जेलों से वो सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अपने साथ लिखे उसके लिए मैंने फैमिली जजेस से मीटिंग की, और उनको हमने बताया कि आप डिस्पोजल पर जोर दो, केसेस फैसला करो। और हमने इनको ये इंसेंटिव दिया, जो मैंने बड़ी खुशी से इंसेंटिव दिया, कि जो फैमिली जोड़ने की कोशिश करेगा उसको दो नंबर मिलेंगे, जो फैमिली डिवोर्स करेगा उसको एक नंबर मिलेगा। हम डाइवोर्स के फेवर में नहीं हैं। बार बार मैं इनको कहती हूँ कि डाइवोर्स सर्टिफिकेट बांटने के लिए आपको वहाँ नहीं बिठाया गया। आप केस आता है और आप वो हस्बैंड वाइफ को रिकन्सिलिएशन में बोल देते कि बैठ के फैसला करो, वो भैया करो, उन्होंने वापस में बैठ के फैसला करना था तो वो कोर्ट तक क्यों पहुँचे। आप उनको टाइम दें, आप ज़्यादा टाइम उनके ऊपर लगाएं कि उनको आपस में राजीनामा करा सकें, कोशिश करें। ये दुनिया और आखिरत का वो आपके लिए सवाब भी है, और फैमिली यूनिट तोड़ने से उसको बचाएं। इसमें हमें कोई खुशी नहीं है कि हम फैमिली यूनिट तोड़ें और हाई कोर्ट का अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें। साथ में मैं आपको दोनों को, जजेस साहिबान को भी और लॉयर्स को भी, कि जो साइल आते हैं हमारे पास, वो एक दरख्वास्त लेकर आते हैं, तो ज़रा ये स्माइलिंग फेस के साथ और अच्छे मूड के साथ उनके साथ बात किया करें, उससे बहुत उसका हौसला बढ़ता है, बहुत खुशी से वापस जाता है। रटल मना करें, रटल चिदे मदा जुड़ना मखा पक दखल को दे दी हज़ार, अल्लाह ताला डायरेक्ट वाह करता है फैसला के। अच्छा जी, जहाँ तक जजेस के, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ जी, मेरी खिदमत तो आप सभी भूल गए हैं, जो मैंने यहाँ की है वो तो आप सब भूल गए। ये सबसे पहले तो थर्ड जज मैंने ज़बरदस्ती वहाँ से मंगवाया था, और मुझे याद है कि एक अदालत हमने खुद ठीक करवाई थी, और एक जज साहब को बुलाया था और कुछ अरसे रहे फिर वो चले गए। तो जहाँ तक बेंचेस का ताल्लुक है, देखिए जी, हमने मुझे, मैं तो स्पेशल जो बेंचेस हैं उसके बहुत ज़्यादा उसकी मानने वाली हूँ, कि जो हमने बनाए उसके ज़बरदस्त नतज आए हुए हैं, ज़बरदस्त नतज आए। मैंने किसी से ये नहीं सुना कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जजेज़ों को डबल डबल बेंचेस उनके बनाए, कि जितने बैकलॉग है वो सारा ख़त्म हो जाए। यहाँ जो तीन जजेस का है, सबसे पहले मैंने हल्फ जब लिया, मुझे यहाँ पे गिला करना है, हल्फ लिया, अदालत पहुँची, पता चला स्वाद स्ट्राइक पे चला गया, नो चिबिया रहा अभी आप सारा खबर हो बया पदवे मरज बदकिस्मती रहती तो पदवे मरज रहा शिल्ला मुसलम नुबिया देसरा जबा डेर ख गुफ्तगू शो बहुत अच्छी गुफ्तगु हुई, फिर उन्होंने बिल कर हम लोगों ने चाय की तस्वीरें बनाई और चले गए सारे। तीसरा जज जो है, आपसे विड्रॉ नहीं किया गया है, चूँकि इस वक्त कमी है तो इसलिए तीन जजेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको भेज देते हैं, और हमें वहाँ बहुत ज़्यादा कमी करनी पड़ती है, बेंच कम कर देती है, कोई ना कोई उसमें हमें पूरे एक हफ्ता एक लॉस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी स्वाद का ख्याल रखते हुए, चूँकि यहाँ पर भी लिटिगेशन बहुत है और यहाँ पर बार भी बड़ा है, तो आपके आपकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए दो हफ्ते बाद या एक हफ्ते बाद ज़रूर, मेरे ख्याल में इश्तियाक साहब आए उसको दो हफ्ते हो गए, अगले हफ्ते वकार साहब आ रहे हैं आपके लिए, एंड आई होप कि उस दौरान कोई हड़ताल भी नहीं होगी, ना कोई आपकी मीटिंग होगी जिसमें आप कहेंगे कि 10 बजे के बाद हम काम नहीं करेंगे, फुल डे काम करेंगे, और वरना दे ना पास तबिया मा तू ना आए जज से बराजी फुल टाइम बचती रही जगह चाह बेंच नमाज खड़े दे मुंगा हुआ हम तास तपार रहा गले। अच्छा मैं एक और बात, डीपीओ साहब हैं आप जी, आप तशरीफ रखें, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको बता रही हूँ, अपने पुलिस स्टेशन जो है ना उसका माहौल ज़रा दुरुस्त करें, उसका माहौल दुरुस्त करें।
उधर मैजिस्ट्रेट साहिबान को हमने डायरेक्शंस दे दी और सेशन जज साहब ने कहा कि इन राइटिंग भेजो, मैं सबको भेज रही हूँ कि कहीं पर भी बेइज्जती और बेरहमी का मुजाहरा किसी जज ने भी किया, वो पुलिस ऑफिसर ने किया या आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ ने किया, और बिना वजह किसी हुकूमत खानों में आप लोगों ने किसी को रखा, तो नतीज के जिम्मेदार आप खुद होंगे, आपका आईजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होगा। मैं बार बार उनको कह रही हूँ कि अपने पुलिस स्टेशन के का कल्चर सही करें, वहाँ लोग फरियाद लेकर आते हैं, आप लोग, आपको अच्छी तरह पता है ये नारकोटिक्स के केसेस में क्या हो रहा है, क्या आपको नहीं पता? आपके प्रमोशन ही उन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के ऊपर होती है, एक इलाके में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उस इलाके में तो रॉय एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है ना, तो उस पर एक आदमी को आप प्रमोट कर रहे हो। किसी को ये एहसास नहीं है कि जिससे हम FIR कटवा के अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए उसको फंसवा रहे हैं, उसके बीवी बच्चों पर क्या गुजरती है? और ये भी अगर मुझे पता चला कि ये केस प्रॉपर्टीज़ जो लोगों से गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं और आपके अफसरान और उसके बच्चे और उसके ड्राइवर और उसका घर का नौकर तक की गाड़ी रखता है, वो भी ठीक नहीं होगा, उसका भी हम इम्तहान लेंगे इसके बाद के पास, पता करेंगे क्यों हो रहा है। एक गाड़ी एक आदमी को नहीं चला सकता, उससे हम गाड़ी ले लेते हैं, आपके पास रख लेते हैं, आप आगे से उसको सुपरदारी पर दे देते हो, जो भी रिश्तेदार होते हैं, जो भी उसके आपके घरों के, तो नौकरों के पास भी गाड़ियाँ हैं, तो इस कल्चर को आप ठीक करें। पुलिस स्टेशन के तमाम कल्चर जो है हमने बंदे उस पर लगाए हुए हैं, पता चला तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे अदालती निज़ाम के बीच में कोई करप्शन हुई तो डिस्ट्रिक्ट जज विल बी रिस्पॉन्सिबल। हमने आपको डिस्ट्रिक्ट सौंपे हुए हैं, आप जाने आपका काम जाने, हम तो अब इतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सूबा है तो उसमें तो हम जगह जगह नहीं फिर सकते ना, तो रिस्पॉन्सिबल आप है और आप हमें बताएंगे। ये जेलों में जब मैं गई तो मुझे हम कितना पावरफुल मुल्क है अदरवाइज, लेकिन हैरत की बात ये है कि हमारे पास करक में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इस दुनिया का हद से कहाँ पहुँच गई है, हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है जेलों में। वो कैदियों ने मुझे पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती वो पानी पिलाया, मैंने पिया और 3 दिन से मेरे मुंह से ऑयल की बदबू जा रही थी, ऐसा गदला पानी है वहाँ पर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो कुछ पाइपलाइंस वो बिछा रहे थे और मुझे उन्होंने कुछ पिक्स भेजी हैं कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का कुछ स्कीम शुरू हुई है, वो 13 तक कम्प्लीट होगी, पता नहीं किसके हवाले होगी, तो उसमें हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये भी हिदायत कर रहे हैं कि उन वो जो पाइपलाइंस बिछा रहे हैं उनसे कुछ कनेक्शन आप जेल को भी दें, जहाँ पे बाहर के जो लोग हैं वो तो खुले फिर रहे हैं, अपने लिए इंतज़ाम कर सकते हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं वो वहाँ पर उनके बस नहीं चल रहा है, अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए। मैं और आपको अपनी एक बात, जो विज़िट किया था वो बड़ा जेल का था, जिसका मुझे जज साहिबान ने कहा कि उसकी बुरी हालत है, टी ब्रेक में हम बैठे तो उन्होंने कहा इसी वक्त चले जाओ, अदालत के टाइम के शुरू होने से पहले वापस आ जाओगे। तो मैं गई बाड़ा जेल में और मैंने देखा, लगता था कि मैं एक बेसमेंट में आ गई हूँ, जिसमें 3 छोटे छोटे बैरक्स थे, उनमें 80 लोग थे और वो पैर उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, पी उगदो लेने शुरू गई, बस पे अभी तो शुभ दो लो, यो खुद ही अगर रिमांड ना, ये रिमांड आप कौन से कानून के नीचे देते हो, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। हर ड्रीम का स्तर रिमांड और कहीं अगे दखोन अखलास खड़ी दी, अगे दूर स्टिकुन सर वहल हुआ गई चीरे अगे इधर तकलीफ बयानों ने चाहिए हो मुंग रिमांड रहा कि पख पोखों पर स्टिकुन बांधे हुए बेदल तराबू रुख पे जुख दे गई अगे तो दखो तकलीफों ने शुरू शुरू, उन सबको जॉइंट पेन शुरू हो गया था ना, उनको रोशनी मिलती है ना, सूरज ना, कोई वॉक के लिए जगह है, बस वैसे जकड़े हुए बैठे हुए थे। तो वो अलग रहन में वो DC साहब को बुलाया, IG प्रिजन साहब को बुलाया और उनसे कहा कि ऊपर एक जरगा हॉल था, वी हैव टेकन दैट, और हमने कहा हमें 15 दिन के अंदर हवाले करो, तो कम अज़ कम उनको एक जगह खुली मिल जाएगी, ज़रा धूप मिलेगा उनको, ज़रा रोशनी मिलेगी, तो ये हमने उसी वक्त कर दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया। अच्छा जी, आप के जो डिमांड्स आए हैं वो इतनी लंबी लिस्ट है, इसलिए तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि मैं खुद आऊँ, मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था, मैं इतनी आजकल मसरूफ हूँ कि हद से ज़्यादा।
लेकिन फिर भी आपके जो डिमांड्स आए हैं उनमें से कुछ तो आप लिस्ट दे देंगे, वो इंशाल्लाह जो हमारे मेरे बस में होगा मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेकर वो आपके सारे डिमांड्स पूरे करने की कोशिश करूँगी। क्वालिटी एंड क्वान्टिटी का इन्होंने कहा था, वो तो मुझे आप खुद समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कम केसेस करेंगे, वे वह गिला ना कहे सर बैकलॉग ज्यादा छू ब्या वमूंगा किनू इंशाल्लाह जेन्युइन बने डिलीवर कूँ चे पाकिस्तान की चैनी लिखे गिला हो ब्या ना कहे। सेकेंड जो इन आप एडजमेंट्स ना करें तो केसेस कभी नहीं प्रोलॉन्ग होंगे। कि कल्चर हमें ख़त्म करना है एडजमेंट्स का। कंप्लेनर साइड पे एक वकील साहब ने 18 एडजमेंट्स ली और मुझे वो जेल से एक लेटर आया तो मैंने उसको पकड़ा कि जब ये पेशावर की वकील है, आप में से कोई नहीं है। ओपन कोर्ट के वो चिस्ता खिलाफ दा कंप्लेन सरा रवान दी ना देर काइंड ऑफ ची माइंड कई ना जर जरा शी एक्सप्लेनेशन रात रहा कि चिदा से चल दी। तो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जजेस जो है वो बहुत अच्छी खबरें हम सुन रहे हैं। खुदा करे कि ये मेरी मौजूदगी में ये हो जाए। आप बता रहे हैं कि हो गया, मुझे बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट हुआ है। मेरे पास इन ब्लैक एंड वाइट अभी कुछ है नहीं, ये पता नहीं अनाउंस कब कर रहे हैं। मुझे तो उन्होंने कहा कि अनकरीब में अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बड़ी कामयाबी होगी हमारे, क्योंकि हमारी डिमांड तो ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि हमारे साथ ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स आ गए तो उसकी वजह से हम पे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। पहले दिनों में इतना इंस्टीट्यूशन नहीं था, उनको पता नहीं था कानून का, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो भी इंशाल्लाह आपका हिस्सा होगा, बिल्कुल होगा। बार का क्यों नहीं होगा हिस्सा, क्या ये बार नहीं है? तो यहाँ से इंशाल्लाह बीच में लॉयर्स का मुंतखब करेंगे हम। सेकेंडली जो पैरालीगल स्टाफ है उसके लिए भी इंशाल्लाह आपका हिस्सा बीच में होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट आपने बताया कि वो दूर है, ये तो पहले से एक मंसूबा चल रहा है इंशाल्लाह। साथ में कोई जगह है वो बंगर साहब आए हुए हैं साथ हमारे, इस वक्त कहाँ पे बैठे हुए वो? अच्छा, बंगर साहब आए हुए हैं तो वो अपने साथ पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। वो जहाँ चाहे आप थोड़ी देर में अगर आप वो बता देंगे हमें कि ये जगह फिजिबल है, अगर है तो फिर इस पर कब शुरू होगा काम, ये सारी बातें आपकी हैं तो आपने वो खुद बतानी है। और बाकी चीज़ें वो शरीयत एपिलेट ट्राइब्यूनल का यहाँ पे रजिस्ट्री है तो वो भी आपके पास एक बहुत अच्छी सहूलत है। कैसर रशीद साहब ने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, वेरी ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस, पूरे होंगे इंशाल्लाह। उनके तो हर प्रॉमिस को मैं पूरा करके जाऊँगी। वो हमारे एक बहुत ही मोहतरम चीफ जस्टिस रहे हैं और उन्होंने जो भी आपसे प्रॉमिसेस करे इंशाल्लाह वो पूरा होगा। जो सर्विसेज ट्राइब्यूनल एट्सेट्रा, बहुत सारे आपने नाम दिए हैं कि यहाँ भी उनका एक आते हैं मेरा ख्याल में यहाँ पर, तो रजिस्ट्री ब्रांच नहीं सबके। अच्छा, सर्विसेज ट्राइब्यूनल का रजिस्ट्री ब्रांच, ये मैं पूछूंगी उनसे। ये मैं कलीम अरशद साहब हैं, हाँ उनसे पूछूंगी। वो तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका डिस्पोजल भी बहुत अच्छा है, वो हर जगह बड़े शौक से जाते हैं और बहुत अच्छा उनका रिस्पांस आ रहा है। तो जितने आपके डिमांड्स हैं वो काइंडली हमें एक लिस्ट आप प्रोवाइड कर दें। पहले से दिए होते तो मैं इस पोजिशन में होती कि मैं आपको बता सकती कि कुछ है जो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं। जैसे लेडीज़ बाथरूम है, वो अंडर प्रोसेस है, प्रॉबली लाइब्रेरी भी है, और साथ में कंसल्ट्रेशन रूम जो है वो भी शायद लेडीज़ का कंसल्ट्रेशन रूम। कितने लेडीज़ हैं यहाँ पे, कुछ है ज़्यादा तादाद? लेडीज़ का बड़ा काम है आपको, चिदमा सोखना पापा पे सिम खबर रख ले। अच्छा, 80+ खवातीन है माशाल्लाह, 30+। तो फिर अच्छा सर, हमें खबर है मैं कह रहा कि 30 है माशाल्लाह, अच्छा ज़बरदस्त। तो उनके लिए वो जो लेडीज़ बाथरूम तो उसको ज़रूर पकार दे, 30 जिन्हें कह दी वो सिर्फ फर्स्ट क्लास वॉशरूम एंड बेहतरीन माहौल पकार दे अभी दोपहरा अदाब मुश इंशाल्लाह। और जो चीज़ें हैं वो बंगर साहब आए हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इस वक्त जो है, हम थोड़ा सा टाइम उनको दे देंगे कि वो आकर यहाँ पर बता दे कि इस वक्त उनको साथ सुबह मंगवा लिया क्या पाएँ कि जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, ताकि कुछ होप हमें मिले कि क्या हो रहा है उस लेवल के ऊपर। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, अपनी बातें यहाँ पर ख़त्म कर देती हूँ। आप एडजमेंट का कल्चर ख़त्म करें, रिक्वेस्ट है आपसे।
मैं पहियो से बच पाऊंगा एक एडजर्मिन का कल्चर गोरी बांग दे सही खबर को लगे एडजर्मिन कल्चर खत्म कई और कोशिश कवे छ कम न कम पीरियड के खपल लाजमगा केस खत्म छी नूर की सुन बराजी नूर की सुन बराजी दा से लकयो द अजियत और कोल छी द कंप्लेन एंड साइन न की सुन लिखीगी या यो वकील से भी छ पगे बांधे से डेर बूझ छी नो अगर लखपल कार शागिरदान बकराम के कई जो यूनिफॉर्म ख्याल साता है जे जे साहिबान छी दे नो अगी दी द यूनिफॉर्म ख्याल साती और ز هر وقت حاضرم چاته سم مسئله سے تقریبا بالکل تاسو خورم بالکل تاسو زما دا چیمبر دروازې کولا وی دی زما دا کور دروازې مې درته کولا وی دی تھینک یو ویری مچ خوشاله آباد سه تھینک یو ویری مچ السلام علیکم پاکستان زندہ باد